मोदी तूने क्या कर दिया, मेरे बच्चों का निवाला छीन लिया। आप देखो ना कितनी मिलिट्री उतार रखी है, अगर इतनी मिलिट्री पुलवामा के वक्त उतारी होती तो हमारे देश के 44 जवान शहीद ना होते। पर हमारे देश की मोदी सरकार आतंकवादियों को टारगेट करने के बजाय हमारे देश की आम जनता को टारगेट कर रही है। आरबीआई खाली हो चुका है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर इतना कर्जा हो चुका है, हमारे देश के भांडे बिक चुके हैं और ये कहते हैं कि हमने देश को बहुत विकास कर दिया। हजारों की तादाद में पुलिस उतार दी गई है, हमारे 5000 कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा जखीरा पुलिस वालों का यहाँ खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के आप खुद देखो भाइयों को, 7 भाई हैं और वो कहते थे हम चाय बेचते हैं, पर आप 7 भाइयों के जाके महल देखो पहले, चाय तो बाद में देखना। आप लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए, देश सेवा में पुलिस वालों की सबसे बड़ी सेवा होगी। अगर आज पुलिस वाले रिजाइन करते हैं तो वो सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। रात को पुलिस वालों से बात हुई, वो कह रहे बड़े नेताओं को डिटेन करेंगे, कार्यकर्ताओं को लठ मारेंगे, ऊपर से ऑर्डर है। आप मोहन भागवत की डीपी जाके देखो, आप आरएसएस के सारे बंदों की जो बड़े बड़े मुखिया हैं उनकी डीपी देखो, उन पे तिरंगा नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री को नहीं मानते आरएसएस वाले, ये तो प्रधानमंत्री को चलाने वाले हैं। जिस देश में खाने को पैसा नहीं है, लोगों को रोटी नहीं है, पहनने को चप्पल नहीं है, वहां 3000 करोड़ की मूर्ति क्या कर रही है? जिनको कभी भी हमारे देश की जनता माफ नहीं करेगी। अंतरात्मा से गरीब आदमी की आवाज निकलती है, नेहरू की गलती है, जिन्ना की गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। अरे तुम गद्दी पे बैठे, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। अरे जलियांवाला बाग ही तो है, आज हमें हमारे कार्यालय में कैद कर दिया, और कौन सा जलियांवाला बाग देखोगे? इन संगियों से, अंग्रेजों से इन्होंने सीखा क्या है? आज अगर अभी पुलिस के ऑर्डर आ रहे हैं तो गोलियां चलाने में पुलिस वाले 2 मिनट नहीं लगाएंगे। ये हमारे देश की सरकारें बन चुकी हैं। देखिए ये सरेआम तानाशाही है, आप देखो ना कितनी मिलिट्री उतार रखी है। अगर इतनी मिलिट्री पुलवामा के वक्त उतारी होती तो हमारे देश के 44 जवान शहीद ना होते। आज मैं वही आपसे कहना चाहूँ, लगातार आतंकवादी हमारे देश के सिपाहियों को टारगेट कर रहे हैं, पर हमारे देश की मोदी सरकार आतंकवादियों को टारगेट करने के बजाय हमारे देश की आम जनता को टारगेट कर रही है। हम आम जनता है, हम कांग्रेसी हैं, हम एक आम जनता भी है साथ में, आज हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अरे क्या मांग करी है हमने? यही तो मांग करी है, रोजगार क्यों नहीं देते? क्या मांग करी है? महंगाई कम क्यों नहीं करते? GST लगा के तुमने दूध छाज, आज कहते राम का देश, किशन का देश। आज राम के देश में, किशन के देश में खाने पीने की चीजों पर तुम GST लगाओगे? कहां जा रहा हमारा भारत देश? आज मोदी सरकार लगातार देश को बेचने का काम कर रही है। आरबीआई खाली हो चुका है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर इतना कर्जा हो चुका है, हमारे देश के भांडे बिक चुके हैं और ये कहते हैं कि हमने देश को बहुत विकास कर दिया। काय का विकास? ये सरेआम तानाशाही आप देख नहीं रहे? हजारों की तादाद में पुलिस उतार दी गई है, हमारे 5000 कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा जखीरा पुलिस वालों को यहां खड़ा कर दिया। ये कब तक तानाशाही चलेगी? ये कब तक देश का माहौल बनेगा? क्यों नहीं आम जनता बाहर निकलती? आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। लोग हमें कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति नहीं कर रहे, पूरी रात से यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि दिन में आने का रास्ते सारे बंद कर दिए हैं। ये बैरिकेटिंग लगा के जो रास्तों को जाम किया गया है, ये हम लोग राजनीति नहीं, ये देश सेवा की आवाज है, ये हर मजलूम की आवाज है, हर गरीब आदमी की आवाज है, जिसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये तो आप ना कह रहे हैं जी, और कौन कहेगा? देश का हर आदमी कह रहा है, हम नहीं कह रहे। बीजेपी तो हमारे देश की जवाबी नहीं देना चाहती है। बीजेपी की आप बात कर रहे हो, बीजेपी के खुद नेता भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? क्यों नहीं होती? अमित शाह के लड़के पे इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? आप एक बात बताओ, अमित शाह के लड़के पे इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? जो आदमी नरेंद्र मोदी जी के, आप खुद देखो भाइयों को, 7 भाई हैं और वो कहते थे हम चाय बेचते हैं, पर आप 7 भाइयों के जाके महल देखो पहले, चाय तो बाद में देखना। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे कितने देश के भगोड़े नेताओं को मोदियों ने भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि उनके नाम के पीछे मोदी लगा था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह गवारा नहीं हुआ कि एक मोदी भगोड़ा हो सकता है, एक मोदी देश का गबन कर सकता है, इसलिए उनको भगाने का काम किया। हमारा देश लगातार डूबता जा रहा है, कर्जों में डूब गया। आज यहाँ पे देखो आप, इतनी हजारों की तादाद में जो पुलिस है, हम पुलिस वालों से भी सवाल करते हैं, क्यों नहीं आप लोग तानाशाही का साथ दे रहे हो? आप लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए, देश सेवा में पुलिस वालों की सबसे बड़ी सेवा होगी। अगर आज पुलिस वाले रिजाइन करते हैं तो वो सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। आपने देखो किसान आंदोलन के वक्त हजारों फौजियों ने रिटायर होकर के और कितने लोगों ने रिजाइन किया था, आज वही माहौल की जरूरत है मेरे भाई। आज देश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के विरोध में हम लोग खड़े और खड़े रहेंगे। तो पुलिस नहीं आएगी? अरे पुलिस आएगी तो हम कौन से बम फेंकने जा रहे हैं? हम टेररिस्ट हैं, हमें तो कमरे के अंदर कैद कर दिया। यहाँ से देखो ना, ये गेट हमारा और यहाँ हम खड़े हैं। अरे हमारे आंगन में हमें कैद कर दिया, ये कौन सी तानाशाही है? ये किस चीज का जुल्म है? आज मोदी सरकार, रात को पुलिस वालों से बात हुई, वो कह रहे बड़े नेताओं को डिटेन करेंगे, कार्यकर्ताओं को लठ मारेंगे, ऊपर से ऑर्डर है। मतलब मोदी सरकार हमारे देश के नौजवानों पर लठ चलवाएगी, नौकरी मांगेंगे लठ देगी, काम धंधे मांगेंगे लठ देगी, रोटी मांगेंगे लठ देगी। इस सरकार से आप उम्मीद करते हो देश का भला करेगी ये सरकार? तो नड्डा साहब ने कहा ना कि विचार दफन हो गया है। देखिए मेरी एक छोटी सी बात समझिए, आज कांग्रेस पार्टी एक इतनी सक्षम पार्टी है जिसका वजूद ऐसी बीजेपी 7 जन्म ले लेंगे संगी, ये कभी खत्म नहीं कर सकते। आज तिरंगे का विरोध करने वाले अपनी डीपीओ पे तिरंगे को लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि
आज उस तिरंगे को शान से लहराने वाली अगर कोई पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, पर उसमें भी कुछ संघियों के चेहरे आपको नजर आएंगे जिन संघियों ने अपनी डीपी पे प्रधानमंत्री के आह्वान पे भी ये झूठा काम नहीं किया कि दो दिन के लिए मां तिरंगा लगा ले। अरे आप क्या बात करते हो, आप मोहन भागवत की डीपी जाके देखो, आप आरएसएस के सारे बंदों की जो बड़े बड़े मुखिया हैं उनकी डीपी देखो, उन पे तिरंगा नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री को नहीं मानते आरएसएस वाले, ये तो प्रधानमंत्री को चलाने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के बंदों को टिकट जब मिलती है जब आरएसएस की दलाली करते हैं, आरएसएस के एक एक आदमी को चाय पानी पिलाने से लेकर पैर दबाने तक का काम करता है एक निगम पार्षद, तब जाकर उसको टिकट मिलती है। ये हमारे देश के हालात है। कितना आप लोग बोल रहे हैं कि पीएम को नहीं मानते, पीएम को चलता करेंगे, आरएसएस वाले कहां मानते हैं? आपने कहीं देखा प्रधानमंत्री के आह्वान पे तो हर आदमी ने डीपी लगा ली उसके बावजूद? ये तो सोचने की बात है, जिन्होंने 52 साल खुद तिरंगा नहीं लगाया, आज ये नेहरू जी की पावर है, आज ये गांधी जी का देश है जिस देश में मजबूर हो गए ये लोग। आज आपको पता होगा जापान गए थे प्रधानमंत्री जी, वहां पे भी उनको नेहरू जी मिले फोटो के पीछे, गांधी जी मिले। ये बात करते हैं, ये सरदार पटेल की बात करते हैं, सरदार पटेल का 4,000 करोड़ रुपए का 3,000 करोड़ का स्टैचू बना दिया, क्या सरदार पटेल की आत्मा को शांति मिल रही होगी? जिस देश में खाने को पैसा नहीं है, लोगों को रोटी नहीं है, पहनने को चप्पल नहीं है, वहां 3,000 करोड़ की मूर्ति क्या कर रही है, और वो भी पहली बरसात में छो गई? आप ये सोचो, उसमें भी गबन, यानी कि जिन महापुरुषों को ये मानते हैं उन महापुरुषों की मूर्तियों में भी गबन कर रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी हर जिले को जिले से जोड़ने का काम, आपने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, मेरे भाई उससे पहले देश में रोडें नहीं थी क्या? किसी तरह चला के देश के लोग जाते थे, कीचड़ों में लेट लेट के जाते थे, उससे पहले के हाईवे नहीं थे, उससे पहले रोडें नहीं थी। इतने नेशनल हाईवे बने हैं वो किसने बनाया, NH-8 किसने बनाया, NH-2 किसने बनाया, ये सब कांग्रेस ने बनाए। इतने बड़े बड़े टोल बनाए किसने बनाए, कांग्रेस ने बनाए। तुमने 4 सड़कें बना दी, 4 पहाड़ों पर अगर दीवारें खड़ी कर दी, तुम कहते अरे वाजी वाह हमने किया, मतलब बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल की बात करते हैं, अरे जो कांग्रेस ने नहीं किया ना वो इन्होंने किया। कांग्रेस ने देश को नहीं लूटा वो इन्होंने लूटा, कांग्रेस ने देश पे इतना कर्जा नहीं किया वो इन्होंने किया, कांग्रेस ने बच्चों के पेट के अंदर रोटी नहीं छीनी वो इन्होंने प्लेट से रोटी छीनने का काम किया। ये ऐसी तानाशाही सरकार है जिनको कभी भी हमारे देश की जनता माफ नहीं करेगी। अंतरात्मा से गरीब आदमी की आवाज निकलती है कैसे, हाय मोदी तूने क्या कर दिया, मेरे बच्चों का निवाला छीन लिया। ये है मोदी सरकार। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिहादियों का कब्जा हो रहा है असम। अरे कौन से जिहादी, जिहादी तो हमारे देश पे बैठ गए हैं कब्जा करके, आज ये जिहादी उठेंगे कांग्रेस आएगी तो देश चलेगा। आज जिहादियों की बात करते हो, आज जिहादियों को पकड़ के जेल में डालो ना, जब तुम्हारी पुलिस कहां जाती है, हम आम आदमियों को पकड़ने के लिए तुमने पुलिस लगा दी, जिहादियों के साथ तुम फोटो खिंचाते हो। अभी आपने देखा जो उदयपुर में मामला हुआ वो भी बीजेपी का निकला जिसने गला काट दिया हिंदू का, आप ये बात बताओ जिहादी कौन हुआ फिर? जिहादी तो इनकी पार्टी में शामिल है, उन पार्टी के अंदर जो आतंकवादी इन्होंने शामिल कर रखे हैं। हर जगह जहां पे भी आपको धर्म के नाम पे लफड़े नजर आएंगे वहां वो लफड़े करने वाले बीजेपी के पाए जाएंगे। ये सवाल हमारा अमित शाह से है, आपकी होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? आप होम मिनिस्टर बन के बैठे हो, आप क्यों होते देश में दंगे होते हैं, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? आप कांग्रेस से सवाल खड़े करते हो, ये नेहरू की गलती है, जिन्ना की गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। अरे तुम गद्दी पे बैठे सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तुमसे भारत नहीं संभल रहा तो हमारे देश की शांति और सौहार्द को खराब करने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो वो मोदी सरकार कर रही है। कहां कर रही है? बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि विकास का एक ही सुर है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही बात है, वो विकास भुखमरी का विकास है, वो विकास आदमी की रोटी गायब होने का विकास है, वो बेरोजगारी का विकास है, वो महंगाई का विकास है, वो GST का विकास है, वो नफरत का विकास है। ये है मोदी सरकार का विकास। कांग्रेस का विकास था फ्लाईओवर का, कांग्रेस का विकास था डैम का, कांग्रेस का विकास था लंबी सड़कों का, कांग्रेस का विकास था इतने मॉन्यूमेंट खड़े करे, इतनी सरकारी संस्थाएं खड़ी करी जिनको मोदी सरकार लगातार हर साल बेचने का काम करती है, वो कांग्रेस का विकास था। इनका विकास सिर्फ नफरत पे शुरू होता है, नफरत पे खत्म होता है। कांग्रेसी नजर आ रहे हैं सर आप तो बिल्कुल आम आदमी है हम भैया, हम कांग्रेसी हैं तो क्या आम आदमी नहीं है? हमारे घर में बच्चे नहीं है, हमारे पेट में रोटी नहीं जाती, हमारे घर में सिलेंडर नहीं चलता, हमारे घर में बिजली नहीं जलती, हम आदिवासी है क्या? अगर एक कांग्रेसी आम आदमी नहीं है तो कौन है आम आदमी? ये आम आदमी की आवाज निकल रही है, कांग्रेसी की आवाज नहीं निकल रही। आज हमारे देश के लोग, अरे आप लॉकडाउन में जाके देखो, बच्चों को स्कूल से नाम कटवा के गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कराना पड़ा, और लोग कहते हैं कि देखो केजरीवाल के स्कूलों का विकास हो गया। अरे केजरीवाल जी आपसे भी सवाल है, आप छोटे संघी हो, आपके स्कूलों में भर्ती इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को पैसा नहीं है। ये हमारे देश की मिली हुई सरकारें हैं जो देश को खत्म करने का काम कर रही है। लगातार सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है कांग्रेस, ये सुरक्षा बल का कोई यहाँ पे घेराव नहीं हो पाएगा। अभी हमारे अनिल चौधरी जी, राहुल गांधी जी यहाँ पे घेराव करेंगे और हम यहाँ बैरिकेडिंग पार कर निकलेंगे। ये हर कांग्रेसी का आह्वान है और मोदी सरकार को, पीएम हाउस का घेराव करेंगे और आज मोदी सरकार से सवाल लेंगे कि आज आप लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो, आप तानाशाही को बढ़ावा क्यों कर रहे हो? अरे जलियांवाला बाग ही तो है, आज हमें हमारे कार्यालय में कैद कर दिया, और कौन सा जलियांवाला बाग देखोगे?
इन संघियों से, अंग्रेजों से इन्होंने सीखा क्या है। आज अगर अभी पुलिस के ऑर्डर आ रहे हैं गोलियां चलाने में पुलिस वाले 2 मिनट नहीं लगाएंगे। ये हमारे देश की सरकारें बन चुकी हैं जो गरीब आदमी को, बिल्कुल आज मोदी सरकार अगर आह्वान देगी 2 मिनट में भारी बरसात होगी। आज यही वाली बात है, जलिया वाला बाग बना करके हमें कैद कर दिया गया है, हमारे देश को गबन किया जा रहा है, हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, हम लोगों को यहाँ बंद कर दिया गया बैरिकेडिंग लगा करके। इसका सवाल मोदी सरकार को देना पड़ेगा, इसके जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेंगे। क्यों आखिर हमारे लोगों का क्या कसूर है कि हम लोगों को कैद कर दिया गया है, हम लोगों का क्या कसूर है कि हम महंगाई पे आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों का ये कसूर है कि हम लोगों से रोजगार की मांग कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी आदमी इज्जत से खा ले। ये मोदी सरकार आपको सोचना चाहिए, आपके मंत्री बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को रोटी दी, ये आपके लिए गर्व की बात नहीं, आपके लिए शर्म की बात है। शर्म की बात कि आप देश में लोगों को काम नहीं दे पा रहे और रोटी दे करके उनका पेट भरने का काम कर रहे हो। ये हमारे देश की निकम्मी सरकार है।